सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी फ्लेवर्स को और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ब्रेड बेसन टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में डालेंगे हाफ कप बेसन। अब इसमें डालेंगे एक छोटी हरी मिर्च कटी हुई, नमक एक छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार, हल्दी आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर, लाल मिर्च ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा छोटा चम्मच अनारदाना, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे ज़रूरत अनुसार पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। जितना आपका बैटर अच्छे से विस्क हुआ होगा उतना ही अच्छा बेसन टोस्ट बनेगा। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप प्याज कटे हुए और 1/4 कप टमाटर बारीक कटे हुए और 1/4 कप फ्रेश धनिया कटा हुआ। और ध्यान रखें प्याज और टमाटर को बारीक बारीक काटें और इस तरह की कंसिस्टेंसी रहेगी। अब ब्रेड स्लाइसेस को काट लेंगे। मैंने आटा ब्रेड लिया है, ये कंपैरेटिवली मैदा से थोड़ा हेल्दी मानी जाती है, आप मैदा ब्रेड भी ले सकते हैं। अब एक पैन में एक छोटा चम्मच ऑयल डालकर इसे फैला लेंगे अच्छे से। अब एक ब्रेड स्लाइस को लेके इसमें डिप कर देंगे अच्छे से और इसे पैन में डाल देंगे और थोड़ा सा बैटर लेके ऊपर से डाल देंगे और इसी तरह से दूसरे ब्रेड स्लाइस के साथ भी कर लेंगे। अब इसे हल्की आंच पे पकने देंगे, क्योंकि इसमें हल्दी है तो ये कच्ची ना रह जाए इसलिए हल्की आंच पे ही पकाएंगे। अब ब्रेड स्लाइस नीचे से ब्राउन हो चुकी है, अब इसे दूसरी साइड से फ्लिप कर देंगे और फिर से हल्की आंच पे पकने देंगे और ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब ये दूसरी तरफ से भी ब्राउन हो गए हैं, ये बिल्कुल रेडी हैं। ये परफेक्ट रेसिपी है जो बच्चे और बड़े बहुत पसंद करते हैं और इसे घर पे बनाएं, ब्रेकफास्ट की तरह खाएं या इवनिंग स्नैक की तरह, ये सबको बहुत पसंद आएंगे। बेसन ब्रेड टोस्ट बनकर तैयार है।